राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। माता भगवती जगत जननी जगदम्बा की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे, लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे अचूक प्रयोग लाई हूँ शहद के, जिससे आप अपना दाम्पत्य जीवन सुखद बना सकते हैं, पिता पुत्र में नहीं बन रही है उसे ठीक कर सकते हैं, आपकी बॉस के साथ में नहीं बन रही है वो संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपका वजन अधिक हो रहा है, आपको और भी किसी तरह की समस्या है, मंगल कमजोर है, सूर्य कमजोर है, उन सभी को कैसे आप एकमात्र शहद के प्रयोग से इन सभी चीजों में आप बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, यानी लाभ प्राप्त कर सकते हो, इन चीजों को आप इनमें सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ में अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु बल और अजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी अंक दूंगी। आप दोस्तों वीडियो काट काट कर देखते हैं जिससे कि वीडियो की लेंथ खराब हो जाती है, वीडियो आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो एक बार खोला है तो पूरा देख लीजिए। और एक बात और दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर यानी घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, शहद की बहुत सारी उपमाएं दी जाती हैं, जैसे शहद जैसी मिठास, शहद जैसा मीठा होना, शहद हनीमून, हनी, बहुत सारी उपमा दी गई हैं शहद को, क्योंकि शहद को जो मीठे में, मिठाई में जो एक सबसे बड़ी उपमा है वो शहद की है। शहद अपने आप में एक सबसे परिपूर्ण एक खाद्य पदार्थ है, इसके प्रयोग से आप अपने जीवन में शहद जैसी मिठास ला सकते हैं दोस्तों, क्योंकि शहद के ऊपर सूर्य का प्रभाव होता है, शहद के ऊपर मंगल का प्रभाव होता है, शहद के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव होता है और शहद के ऊपर शुक्र का भी प्रभाव होता है दोस्तों। चार चार ग्रहों को ये एक अकेला शहद नियंत्रित कर लेता है। तो इसके लिए आपको मैं जो उपाय देने वाली हूँ, आप अपनी समस्याओं से मैच कीजिए और उसके हिसाब से आप इन उपायों को कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको अगर आपका वजन बहुत अधिक हो रहा है, वेट आप बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आपको 5 काली मिर्च के दाने, 1 इंची की दालचीनी की लकड़ी, 1 चम्मच सौंफ, 1 चुटकी हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच आपको इसमें अदरक का पाउडर यानी सौंठ पाउडर, इस सबको मिक्स कीजिए 1 चम्मच शहद के अंदर, इसको आप लिख करके चाट के खा लीजिए, उसके बाद ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए, सुबह खाली पेट आप कर लीजिए। कुछ ही हफ्तों में आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को सही करेगा, आपके पाचन तंत्र को सही करेगा और धीमे धीमे आपकी चर्बी घटने लगेगी। दूसरा प्रयोग दोस्तों, अगर पति पत्नी में बिल्कुल भी नहीं बनती है, दोनों में आपसी सामंजस्य और प्यार नहीं है, आप एक शहद की शीशी लीजिए, बॉटल लीजिए ट्रांसपेरेंट, या तो भोजपत्र, अगर आपको भोजपत्र नहीं मिलता है तो एक व्हाइट कलर का या रेड कलर का कागज ले लीजिए, अपना नाम लिखिए, अपने पति का नाम लिखिए, बीच में प्लस बनाइए और इसको रोल कीजिए, घड़ी कीजिए गोल गोल, और शहद के शीशी के अंदर डिप करके इसको अपने रूम के साउथ में कहीं भी छुपा कर रख दीजिए और इसको वहां सालों साल रखा रहने दीजिए, इसमें कोई खराबी नहीं आती है, आपका दाम्पत्य जीवन सहज जैसा मधुर होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अब तीसरा प्रयोग दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में पिता पुत्र में बिल्कुल भी नहीं बनती है, बैठते ही आपस में दोनों का आर्गुमेंट शुरू हो जाता है, टेबल पे बैठे नहीं कि दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, उस स्थिति में आपको रविवार वाले दिन एक मिट्टी का दीपक लेना है, 2 मिट्टी के दीपक लेने हैं, एक ऐसे रखना और एक उसके ऊपर उल्टा रखना है, बंद करना है इसको, इसमें भी आपको चाहे तो भोजपत्र ले लीजिए और चाहे तो व्हाइट या रेड कलर का पेपर ले लीजिए, इस पर रेड कलर से ही आपको पहले पिता का नाम लिखना है, प्लस का साइन बनाना है, पुत्र का नाम लिखना है, इसके ऊपर शहद भरिए, इसके अंदर वो पर्ची डाल दीजिए फोल्ड करके, ऊपर से वो दीपक रखिए और इसको कहीं भी जाकर
बीराने में मिट्टी में गड्ढा खोद के दबा दीजिए। अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है बीराने में जाकर आप इसको दबा सकें, तो अपने घर में किसी पॉट में गमले में पहले मिट्टी डालिए थोड़ी सी, फिर ये दीपक रख दीजिए, ऊपर से मिट्टी भरकर इसको कहीं भी अपने बाहर पेड़ पौधों के बीच में रख दीजिए। पिता पुत्र में बनना शुरू हो जाएगी, दोनों में सामंजस्य बढ़ने लगेगा, दोनों के संबंध शहद जैसे मधुर हो जाएंगे। इसी कड़ी में अगर आपके अपने बॉस के साथ में नहीं बनती है तो यही विधि आप अपने बॉस के साथ में भी अपना सकती हैं, क्योंकि बॉस हमारा सूर्य है। जब भी सूर्य और शनि समसप्तक हो जाते हैं पिता पुत्र की कुंडली में, तो बॉस के साथ में नहीं बनेगी, पिता के साथ में नहीं बनेगी। तो इसी विधि से आपको बॉस के लिए भी करना है। शायद एक दीपक में लीजिए, ऊपर से उल्टा दीपक रखिए, एक कागज पे अपना नाम लिखिए, बीच में प्लस का साइन बनाइए, बॉस का नाम लिखिए, फोल्ड करके रोल करके इसमें शहद के अंदर डिप करके इसको किसी मिट्टी में दबा दीजिए। आपका बॉस आपसे खुश रहने लगेगा, आपके संबंधों में सहज जैसी मिठास आ जाएगी। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर भी फोड़े फुंसी के बहुत सारे निशान हो गए हैं, जगह जगह आपके निशान आ गए हैं और वो जा नहीं रहे हैं, तो चेहरे को फेस वॉश से धोइए, उसके बाद जहां जहां पर आपके निशान है वहां पर शहद लगा लीजिए। 10 मिनट तक इसे सूखने दीजिए, 10 से 15 मिनट तक इसे सूखने दीजिए और इसके बाद चेहरा धो लीजिए। एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर ही, मतलब कहने का मतलब है हफ्ते 15 दिन के अंदर ही आपके वो निशान गायब होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन चमत्कार कोई एक दिन में नहीं होता है दोस्तों, तो ध्यान रखिए कि आपने आज दीपक लगा रखा है, मिट्टी के अंदर दबाया, तो कल से पिता पुत्र में बिल्कुल भी अनबन नहीं होगी। कम से कम ये उपाय तो जमीन के अंदर हमेशा दबा रहेगा, इसका असर आने में आपको सवा महीना लगेगा। तो बिल्कुल भी ये सोचकर नहीं कि आपने रख दिया आप पिता पुत्र बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। आपसे सामंजस्य बातों में मतभेद हो सकता है, लेकिन हाँ लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी, ये गारंटी है। ऐसे ही दोस्तों, आपकी परिवार के किसी सदस्यों के साथ में आपकी बहुत कुछ अनबन रहती है, तो शहद लीजिए, माता के सामने अर्पित कर दीजिए एक कटोरी में। उस शहद में अपनी मनोकामना बोल के कि आप क्या चाहती हैं, किन किन से रिलेशन चाहती हैं, वो सारे नाम बोलिए। माता को अर्पित करने के बाद वहां से कटोरी उठाइए, किस किस के साथ में रिलेशन आप अच्छा चाहती हैं वो सब बोलिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। उन सबके नाम लेके मेरे इनके साथ में रिलेशन अच्छा हो गया है, हमारे आपसी सामंजस्य प्यार बढ़ गया है, उसमें 3 फूंक मारिए और इसको सबके बीच में प्रसाद के रूप में इनको खिलाना शुरू कर दीजिए। आपका सभी के साथ में आपसी सामंजस्य और प्यार बढ़ जाएगा। अगला प्रयोग एक और देती हूँ दोस्तों। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में वीक है या पढ़ता नहीं है, कहना ही नहीं मानता है, तो शहद की बोतल को मंदिर में रखिए, उसमें डेली आपको एम बीज मंत्र का आपको जाप करना है। एम जो माता सरस्वती का बीज मंत्र है, एम एम एम, इस मंत्र का आप जाप करिए और फिर इस में से एक चम्मच आप शहद बच्चे को नियमित खिलाना शुरू कर दीजिए। किसी भी फॉर्म में, दूध में मिलाकर, कॉर्नफ्लेक्स में मिलाकर, ऐसे ही खा सकता हो बच्चा आपका, ऐसे ही खिला दीजिए। बच्चा धीरे धीरे आपका शांत होना शुरू हो जाएगा, कहना मानने लगेगा, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। दोस्तों, छोटे छोटे से उपाय होते हैं, ज्योतिषीय उपाय हैं, क्योंकि जहां आपका मंगल शांत होगा, मंगल मजबूत होगा, सूर्य शांत होगा, शुक्र और गुरु मजबूत होंगे आपके, तो आपके हर चीज में आपको बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा, आपकी कुंडली बैलेंस होना शुरू हो जाएगी और चीजों से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें मैंने आपको कोई पूजा पाठ नहीं बताया है, छोटे से सिंपल प्रयोग है, आपको अपनी समस्याओं से मैच करके इनको जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को दिया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहती हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करती हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। मात्र एक मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो समय लगता ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है और क्लीन हो जाती है, आपके सोचे हुए कार्य पूरे होने लगते हैं और आपको अपनी समस्याओं से निकलने के लिए मार्ग मिलने लगते हैं। 17 अक्टूबर 2021 दिन रविवार, आज का राहु काल है, शाम को 4:25 से 5:58 तक इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:43 से 12:00
29 मिनट तक इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकती हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों केसर का या हल्दी का टीका अपने मस्तक पर लगाइए, पानी में दो चुटकी हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए तो आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे, समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आज का जादुई अक्षर है फल वाला फा। इस फा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर यहां से लेकर यहां तक कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मेरिज एनिवर्सरी है उनका यह वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी 17 अक्टूबर को आती है, इस प्रयोग को करेंगे। इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक इस नंबर को अपने पास लिखकर रख सकता है। आज का लकी अंक है 3 यानी 3। इस अंक को आप लिखकर अपने पर्स या पॉकेट में रखिए तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों वायरल चल रहा है जिसकी वजह से बुखार जुखाम खांसी आम चीज है, सभी को हो गया, दवाइयां लेने के भी बावजूद, गरारे वफारे लेने के बावजूद भी अभी जल्दी से आराम नहीं है, तो वायरल कम से कम 5 दिन लेता है जो कि उसकी एक पीरियड होता है, साइकिल होती है, तो वो तो सभी को उसके लिए अपने ऊपर अगर आपके ऊपर अटैक हुआ है तो उसको आपको झेलना ही पड़ेगा। दोस्तों आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। इसके अलावा आप उससे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है दोस्तों, यहाँ आपको फीस देनी होती है। इसके अलावा मैं संडे से फिर से कमेंट सेक्शन चालू करने वाली हूँ जिसमें डेली में एक कुंडली का विश्लेषण करूंगी, तो आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, अपना एक क्वेश्चन आप मुझे सेलेक्ट भेजते रहिए, रेंडमली सिलेक्ट होने पर आपका वो क्वेश्चन जरूर लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, वहीं पर उसका आपको आंसर मिलेगा। फोन पर मैं आपको इसका आंसर नहीं दे सकती, बहुत सारे लोग फोन मिलाकर पूछते हैं मैडम ये असर करेंगे या नहीं करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ज्योतिषीय उपायों पर बिलीव नहीं है, आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, आप ज्योतिषीय उपायों को नहीं मानते हैं तो आप इन वीडियोज को मत देखिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ वही उपाय फायदा पहुंचाएंगे आपको जिनके अंदर आपको विश्वास हो, जिन पर आप बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो, ईश्वर पे आपको अगाध श्रद्धा है तो आपके काम बनेंगे, ज्योतिषीय उपायों पर आपको अगाध श्रद्धा है तो जरूर बनेंगे। बिना आजमाए आप बाहर किनारे पर बैठकर ही आप पानी का आके डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे, जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा ये कितना गहरा है, आप किनारे से ही उस पानी का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो दोस्तों पहले इन उपायों को कीजिए, इनसे फायदा उठाइए, तब आप ये इस तरह का सवाल करते हैं तो समझ में आता है। आप लोग सिर्फ फोन करके पूछते हैं ये फायदा पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे, तो प्लीज फिर आपके लिए बेकार है वीडियोस। आप पॉजिटिव हैं, आपको इन पे श्रद्धा है तो ये आपके लिए हेल्पफुल है और ये आपकी 100% नहीं 150% आपकी मदद करेंगे आपकी अपनी समस्याओं से निकलने में। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।